कमाल है। अरे कमाल नहीं, कमल है, कमल कमल का कमाल है। नोटबंदी के दो साल बाद उसकी शाह पड़ते अब एक एक कर खुलकर सामने आ रही हैं। नोटबंदी के नाम पर एक तरफ कितनों के घर उजड़ गए, वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के बहाने जो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ उससे जुड़े नए खुलासों ने सबको चौंका दिया है। दरअसल जब हम और आप बैंकों की कतारों में खड़े थे तो उधर पर्दे के पीछे चल रहा था देश के गरीबों और मध्य वर्गों को लूटने की सबसे बड़ी साजिश। एक वेबसाइट ने नोटबंदी के समय की जो तस्वीरें जारी की हैं वो हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं। 15 और 10 दस का बजट है, 10 का 30 हो गया। अब जल्दी जाइए क्योंकि अभी कोई बड़े लोग आ रहे हैं। दरअसल कुछ पत्रकारों ने ये दावा किया है कि नोटबंदी के काले सच को सामने लाने के लिए उन्होंने उसी दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और इसके पीछे एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का पूरा सिंडिकेट था। इसी स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों का सामना इस शख्स से होता है। कुर्ता पजामा और बंडी पहना ये शख्स कौन है और किस पार्टी से जुड़ा है ये ऊपर टंगी तस्वीर खुद बयां करती है। दरअसल ये शख्स उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो संयोजित तरीके से नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने में लगे थे। इस पत्रकार को पहले ये नेता अहमदाबाद गांधीनगर के बीच स्थित बीजेपी मुख्यालय कमलम लेकर आया। यहां से वो एक बैग लेकर निकला और उसे एक दूसरे ठिकाने की ओर लेकर पहुंचा। यहां उसने पुराने नोटों से भरे बैग के बदले नए नोटों से भरा बैग थमाया और इसमें अपना 40% कमीशन भी काटा। थोड़ा परसेंटेज का ठीक कीजिए ना। नहीं देखो, बड़ा काम करना है तो परसेंटेज तो थोड़ा सा तो ठीक कीजिए, बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ एक दो परसेंट, एक दो टका कहाँ, मैं 5 लेके आया, 3 लेके जा रहा हूँ, 40% कट रहा है। ये कमीशन ऊपर कहाँ तक जाता है ये भी खुफिया कैमरे के सामने इस शख्स ने बड़ी बेबाकी से कबूल किया। 40% वो कैसे, मामला बड़ा देख पत्रकारों ने किसी बहाने से उस घर की तफ्तीश करने की सोची और जो उसके खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कमरे में मानो नए नोटों की पूरी दीवार खड़ी थी, जहां तक नजर जा रही थी कमरे में हर तरफ नोट ही नोट बिछे हुए थे। एक तरफ बैंकों में नए नोटों की किल्लत थी तो वहीं कमल के इस दरवाजे के पीछे गुलाबी नोटों की मानो दुकान सजी थी। शायद यही नोटबंदी की असली हकीकत थी। ये कमल का कमाल है।